राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। संत वाणी चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए सर्वप्रथम मकर संक्रांति के पावन पर्व की अनंत अनंत अनुराग हृदय शुभकामनाएं। हमारा भारत देश पर्वों का देश रहा है, त्योहारों का देश रहा है। 365 दिन 12 महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन हमारे दिन कोई ना कोई पर्व ना रहा। लोहड़ी भी कहते हैं, मकर संक्रांति पर्व है, दीपावली है, होली है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, हनुमत जयंती है। हमारे यहाँ एक एक 7 दिन के अलग अलग देवताओं के नाम है, अलग अलग त्योहार है, पर्व है, और हर किसी का अपना एक विशिष्ट महात्म्य है। मकर संक्रांति का विशेष महात्म्य इसलिए भी है कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। शनि जो है वह ग्रह है, शनि ग्रह के दो राशि हैं कुंभ और मकर, तो शनि भगवान सूर्य का पुत्र भी है। हालांकि पिता और पुत्र में वहां पर ज्यादा बनती नहीं, परंतु भगवान श्री हनुमंत लाल की कृपा से बड़ा सामंजस्य बनाया गया है। तो मकर राशि में प्रवेश करने पर सूर्य के उत्तरायण का आरंभ हो जाता है। दो अयन हमारे 12 महीने में है, एक अयन का नाम है दक्षिणायन, दूसरे अयन का नाम है उत्तरायण। उत्तरायण के लिए शास्त्रों में विशेष रूप से मोक्षदा कहा गया है, अर्थात मोक्ष देने वाला कहा गया है। पितामह भीष्म भी अपने प्राणों को उत्तरायण में त्यागते हैं, बाणों की पीड़ा को सहते हुए भी उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं। और शास्त्रों के अनुसार पितामह भीष्म की मुक्ति भी उत्तरायण में जाने पर ही हुई है। अब हम लोग भागवत करते हुए कई बार उत्तरायण के अलग अलग अर्थ बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा थी पितामह भीष्म को, लेकिन श्री कृष्ण पहले भी आ सकते थे, बाद में ही क्यों आए? पहले आते तो पहले पीड़ा से मुक्ति दे देते, बाद में क्यों आए? वे गए भी उत्तरायण में। अब उत्तरायण के भी दो भाव यहां पर, कि राजा परीक्षित के पूर्वजों में उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु का पुत्र था, राजा परीक्षित हुए, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के अयन माने गर्भ में प्रवेश करते हैं, घर में प्रवेश करते हैं, और वहां पर आकर के उसकी रक्षा करते हैं। यहां तक कि पहला एक अकेला बालक रहा है उत्तरा के गर्भ में रहने वाला वह परीक्षित, जिसने गर्भ के अंदर भगवान का साक्षात सगुण साकार का दर्शन किया है, एकमात्र पहला बालक है। और चतुर्भुज रूप में दर्शन किया है भगवान ने इस बालक की। दशम स्कंद में तो प्रथम अध्याय में यहां तक लिखा है, वो राजा परीक्षित सुखदेव जी से कह रहे हैं, बोले हे गुरुदेव, मैं तो मां के गर्भ में मर गया था, लेकिन जिन्होंने अपनी कृपामय दृष्टि से, अमृतत्व दृष्टि से मुझे पुनः जीवित किया, मैं उन कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूं। द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगं संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गत आत चक्रो मातुश्च मे यः शरणं गताया। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं, उनकी कथा सुनना चाहता। तो कुछ महापुरुष तो ये कहते हैं कि उत्तरा के गर्भ में केवल प्रवेश करके राजा परीक्षित को पुनः जीवित करके, किंबा राजा परीक्षित की रक्षा करके भगवान बाहर आ गए, और कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं कि जब तक राजा परीक्षित गर्भ में रहे तब तक भगवान कृष्ण भी गर्भ में ही रहे, और कहा जब ये बाहर आएगा तब जाकर के गर्भ की रक्षा हो जाएगी पूर्ण रूप से। तो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करने के कारण, रहने के कारण, जाने के कारण भगवान श्री कृष्ण का भी एक नाम उत्तरायण पड़ गया है। इसलिए ये उत्तरायण मोक्ष देने वाला काल है। तो उत्तरायण में भगवान उत्तरा के गर्भ में रहने वाले उत्तरायण भी आ गए, यहां उत्तरायण भी दो हो गए, एक अयन का नाम उत्तरायण, एक भगवान कृष्ण का नाम उत्तरायण। तो ऐसे उत्तरायण के पर्व पर आपके लिए अनंत अनंत मकर संक्रांति के पावन इस अमृतत्व पर्व पर, मोक्षदा पर्व पर आप सबके लिए मुक्ति की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। हमारे यहां मोक्ष को भी बहुत बढ़िया तरीके से प्रस्तुत किया गया। मोक्ष का अर्थ केवल मरने के बाद मोक्ष मिले, सो बात नहीं। हमारे परम पूज्य
मेरे परम पूज्य गुरुदेव भागवत भूषण पंडित श्री नाथ शास्त्री जी महाराज के परम मित्र साकेतवासी आचार्य श्री कृपा शंकर रामायणी जी अयोध्या के, वो कहते कि किसी को धर्म मिलता है, किसी को अर्थ मिलता है, किसी को काम पूर्ति होती है और चौथा है मोक्ष। बोले मैंने जीते जी मोक्ष पाया है। लोग कहते मरने के बाद मोक्ष मिलता है, मुझे जीते जी मोक्ष मिला। तो लोगों में प्रश्न खड़ा हुआ कि जीते जी मोक्ष किसे कहते हैं। तो कहा एक प्रसंग के माध्यम से सुनाता हूं, संतवाणी के माध्यम से ये प्रसंग आप तक पहुंच जाएगा। भगवान राम जब वन में गए हैं तो वाल्मीकि से उनकी भेंट हुई है, महर्षि वाल्मीकि। तो उन्होंने राम जी ने कहा गुरुदेव मैं आपके दर्शन करने के लिए यहां आया हूं। तो बोले राम तुम चक्रवर्ती राजा के पुत्र हो, यहां आए कैसे, किस कारण से, केवल दर्शन की अभिलाषा थी या और कोई बात है। तब भगवान राम ने कहा कि हमारे घर में विभाजन चल रहा था गुरुदेव। अब आप विचार करके देखिए कि साधारण घर का विभाजन नहीं है, स्वयं धर्म मूर्ति धर्म के साक्षात विग्रह भगवान श्री राम के घर का विभाजन है। दशरथ स्वयं वेद है, हमारे यहां दशरथ को वेद कहा शास्त्रों में। वेद के तीन कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो कौशल्या कौन है, बोले कौशल्या ज्ञान शक्ति है, ज्ञान कांड है। कौशल्या ज्ञान शक्तिश्च सुमित्रा कौन है, बोले सुमित्रा उपासनात्मिका, सुमित्रा उपासना शक्ति है। और कैकेयी कौन, बोले कैकेयी कर्म शक्तिश्च। बोले दशरथ कौन है, वेदो दशरथो नृपः, साक्षात वेद ही दशरथ है। तो वेद मूर्ति दशरथ के घर का विभाजन हो रहा है, तो साधारण विभाजन तो नहीं होगा। इसमें विभाज्य वस्तु क्या है, विभाजन जिनका होना है वो कौन कौन सी वस्तु है, मकान का है, दुकान का है, किसका है। तो कहा चार चीज है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चार चीजों का विभाजन होना है। तो किसके पास क्या गया राम, वाल्मीकि ने पूछा किसके पास क्या गया। बोले धर्म गया पिता दशरथ के पास और उनके साथ गया। क्यों, बोले धर्म न दूसरी सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। तो अपने वचन की सत्यता को सिद्ध करने के लिए दशरथ ने मुझे वन में भेज दिया मेरे पिता ने। तो दशरथ ने सत्य को बचा लिया, तो सत्य रूपी धर्म पिता के साथ गया। अच्छा अर्थ किसके पास गया, तो कहा अर्थ की बहुत बड़ी परिभाषा है। अर्थ की दृष्टि से देखें तो अर्थ माने हमारा अर्थ सिद्ध हो गया, हमारा कार्य सिद्ध हो गया। इस कार्य सिद्धि के सिद्धांत के अनुसार अर्थ गया मां कैकेयी के पास, भरत के पास, भरत के पास गया। क्योंकि ये जो महल था इसका तो राजा भरत के लिए घोषित कर दिया गया, तो अर्थ चला गया भरत के पास, वो ले या ना ले वो उसके ऊपर है। और काम किसके पास गया, तो काम के लिए परिभाषा बताई है, तरसो अभिलाषो कामश्च, अभिलाषा की पूर्ति हो जाना काम है। इस काम के सिद्धांत, काम पूर्ति के सिद्धांत के अनुसार कैकेयी की कामना पूरी हो गई, तो काम गया मां कैकेयी के पास। तो कहा फिर मोक्ष किसके पास गया, बोले मोक्ष मुझको मिल गया। बोले कैसे, बोले सत्संगति संस्कृति कर मूला, हे प्रभु सत्संग ही दुनिया का सबसे बड़ा मोक्ष है। तो आप जैसे महापुरुषों का हमें दर्शन हो गया, संत का दर्शन हो गया है, मुझे सत्संग रूपी मोक्ष प्राप्त हो गया। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो यह पर्व मकर संक्रांति का मोक्ष देने वाला पर्व है। हम जीते जी मोक्ष को प्राप्त करें, मोक्ष का अर्थ है मोह का क्षय हो जाना, ये मोक्ष है। हम सबके जीवन से मोह का क्षय हो जाए। कोरोना जैसी महामारी सब जगह फैल रही है इस समय पर, हर जगह देखें तो ये ओमिक्रोन आ गया है। लेकिन मैं आपको विश्वास पूर्वक एक बात कहता हूं, घर में रहिए, सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए, ये मास्क का प्रयोग करते रहिए। कहीं बाहर जाए सार्वजनिक जगह पर मास्क पहनिए जरूर। दूसरी बात, जो कोई भी अगर किसी को डायबिटीज है, किसी को किसी प्रकार का कोई रोग है, भगवान ना करे रोग हो गए, लेकिन आजकल रोग ऐसे हो रहे हैं पता भी नहीं चलता कब कौन सा नया रोग आ जाए, कब कौन सा नया वेरिएंट निकल कर आ जाए। तो रोगियों को औषधि लेनी पड़ती है, तो तीन नाम लेकर के औषधि को ग्रहण करिए। ये हमारे धन्वंतरी जी महाराज जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हुए, भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक हैं, उन्होंने नारद पुराण के पूर्वार्ध में ये घोषणा की है कि मैं जिस रोगी को औषधि देता हूं तो तीन नाम लेकर के औषधि देता हूं,
और मैं सत्य सत्य कहता हूं वो तीन भगवान नाम लेने पर रोगी का रोग दूर हो जाता है। तो हम कोई भी औषधि ग्रहण करें, इन तीन नाम लेकर के, इन तीन नामों को लेकर के औषधि को ग्रहण करें। वो कौन से तीन नाम है? बोले अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। महाराज धन्वंतरी जी की वाणी है, अच्युत अनंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। मैं सत्य सत्य कहता हूं। अब ये तीन नाम ले, मैं हाथ में औषधि रखे, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः कहकर के औषधि को खा ले। आपके रोग को दूर करने के लिए भगवान नाम की शक्ति आपकी औषधि में बैठ करके आपके शरीर में जावेगी, आपके रोग को दूर करेगी, रोगी को स्वस्थ करेगी। ये आपके लिए कामना करता हुआ पुनश्च मकर संक्रांति पर्व की अनंत अनंत अनुराग हृदय शुभकामना देता हूँ। समस्त वैदिक यात्रा परिवार की ओर से आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।